तो दोस्तों चाइना के राज धीरे धीरे खुल रहे हैं, चाइना का पर्दाफाश हो रहा है। आप जानते हैं चाइना के वुहान शहर से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला था, जो अब एक वैश्विक महामारी बन गई है। और चाइना का कहना है कि उनके देश में 80,000 से ज़्यादा केसेस आए थे, जिसमें से 3,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करती है, उनका कहना है कि ये आंकड़ा गलत है। उनके हिसाब से जो उन्होंने एक खोज की है, उसमें 2 करोड़ से अधिक सिम कार्ड गायब हो गए हैं। जी हाँ, 2 करोड़ से अधिक चाइना के लोगों के सिम कार्ड गायब हो गए हैं। और तो और इसके अलावा 8 लाख से अधिक लैंडलाइन भी बंद हो गए हैं। तो उनका कहना है कि जो ये लैंडलाइन और सिम कार्ड गायब हुए हैं या बंद हुए हैं, ये सब कोरोना वायरस से फैले संक्रमण के कारण हुए हैं। इसमें फैले संक्रमण से या तो लोग संक्रमित हैं या यह सब मर चुके हैं। तो उन्होंने एक खोज में बताया कि वहाँ पे लगभग 20 मिलियन लोगों की मौत हो गई है, जो 2 करोड़ होता है। तो ऐसा मानने में आया है कि वहाँ पे 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई। और इसके साथ एक और खबर भी आ रही है कि कोरोना वायरस से जो मौतें हो रही हैं अमेरिका में, आपको पता होगा कि अभी अमेरिका में लगभग 7 करोड़ केसेस चल रहे हैं कोरोना वायरस के। तो ट्रंप ने कहा है कि अगर ये जानकारी सही निकलती है, तो वह चाइना से बदला लेंगे। अमेरिका में हुई एक एक मौत का चाइना से बदला लिया जाएगा। और तो और जो चाइना की, सॉरी, अमेरिका की कंपनीज भी है बड़ी बड़ी, जैसे एप्पल, नाइक, एडिडास, वो भी कहीं और अपना मैन्युफैक्चर करेगी प्रोडक्ट। ट्रंप ने धमकी दे दी है चाइना को। अब देखते हैं आगे क्या होएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक कर दें वीडियो को। शुक्रिया।